सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड डे एवरीबॉडी एंड अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मेकिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद गिवन इलेक्ट्रोड्स एंड कैलकुलेट इट्स ईएमएफ। हमें इलेक्ट्रोड्स दिए हैं और उससे हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, ठीक है। अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ कि मान लो कि हमें दो इलेक्ट्रोड्स दिए हैं, गिवन टू इलेक्ट्रोड्स। जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड हमारा है वो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल, वो क्या है। हम लेते हैं पहला जिंक का और ये लेते हैं फिर कॉपर का। इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट और कॉपर दिस प्लस 0.34 वोल्ट। तो स्टूडेंट, हमने दो इलेक्ट्रोड लिए और उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने यहाँ लिख लिया, जिसमें क्या है, ये दोनों जो मैं लिखे हैं अपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये है रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल जिंक का, उसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि जिंक आयन से जिंक बन रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है। तो एक तो बात ये हो गई। और जो ये केमिकल सेल है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अंदर रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, तो वो जो रिएक्शन हो रही है वो हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स इस केमिकल रिएक्शन में साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। दो बातें हमारी क्लियर होगी। अब हम देखते हैं कि किस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है और किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमें पता है जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, आगे हम इसका डायग्राम भी बनाएंगे तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा, लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगा आपको कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड हैं, उसमें से जो रिएक्शंस होगी, हमें ये पता है कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और जो वो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, उसमें एक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है और सेकेंड वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हमें ये कैसे चलेगा पता कि किस रिएक्शन, किस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है और किस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैं एक आपको फॉर्मूला बताता हूँ सिंपल सा, जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है, लाइक दिस कॉपर वाला, और जिसका कम है उसका फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन होगा। अब हमें ये क्या चलेगा पता कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो जिसका नेगेटिव साइन है हमें पता है वो चीज क्या होती है, छोटी होती है। जैसे कि एक नंबर लाइन है, यहां जीरो है, 1, 2, 3 एंड 4, यहां लेते हैं हम -1, -2, -3 एंड -4 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट, इस जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड जितने भी नंबर हैं उसमें क्या हो रहा है, वो क्या है, स्मॉल है, और जो इस जीरो के राइट हैंड साइड जितने भी नंबर हैं वो क्या है, मतलब बिगर है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये हमने बात पूरी अपनी खत्म कर ली। इसको लिखना कैसे है अब देखते हैं। जैसे सी यू, जो ये टू पॉजिटिव है, इसका क्या हो रहा है,
रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उससे ये Cu बन रहा है। तो यहां लिख लेते हैं क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो हो रहा है हमारा जिंक वाले का। ठीक है, जिंक वाला था, उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि उसने इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दिए। अब स्टूडेंट जैसे कि लाइक दिस दिस, अब इसको हम एक रिएक्शन लिखते हैं इसकी, इसकी हम जो रिएक्शन लिखेंगे स्टूडेंट वो किस टाइप की लिखेंगे, जैसे कि जिंक है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए, ये कॉपर है और इसने दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, ये बन गया कॉपर। इसकी हम फॉर्म भी यहां लिख सकते हैं, और जैसे कि ये जिंक है, ये है सॉलिड स्टेट में है, ये जिंक आयन है, ये है एक्वा स्टेट में है, ये कॉपर आयन है, ये भी एक्वा स्टेट में है, और ये कॉपर है, ये सॉलिड स्टेट में है। इसको अगर हम ऐड करते हैं, इसकी रिएक्शन बनाते हैं, तो ये कैसा बनेगा स्टूडेंट, ये जो टू इलेक्ट्रॉन है और ये टू इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इस तरफ क्या रह गया, जिंक सॉलिड वाला और कॉपर आयन एक्वस, कॉपर आयन एक्वस। सिमिलरली राइट हैंड साइड जिंक एक्वस और कॉपर सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक हमारी बात हुई। अब इसको हम और किस टाइप से लिख सकते हैं, हम वो देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट अब इसको हम एक सेल की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दैट, सेल की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको मॉडिफाई करके लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे कि जिंक एक लाइन वाले बीच में और जिंक पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या सॉलिड और ये क्या एक्वस, इसका हमने स्टेट लिख दिया, बीच में दो बड़ी लाइन, उसके बाद यहां लिखो कॉपर टू पॉजिटिव, ये एक्वस बीच में लाइन और सी यू सॉलिड। तो स्टूडेंट अब क्या है, जो हमारा कैथोड है वो कौन सा है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रोड हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, उसमें से एक क्या होता है कैथोड और दूसरा क्या होता है एनोड। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, कैथोड। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, एनोड। हमने इस रिएक्शन के बेस पे इसको लिखा, इस सेल को बनाया, और ये दो बड़ी लाइन क्या है बीच में, ये है सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। अब आप बात आती है कि सॉल्ट ब्रिज है क्या, तो स्टूडेंट इसको हम अब डायग्राम के थ्रू इसको मैं समझाऊंगा आपको, और तब आपको समझ आएगा कि सॉल्ट ब्रिज का यहाँ काम क्या है। तो यस स्टूडेंट, यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमने जो फिल किया लिक्विड, इस तरफ किया हमने कर लिया लेफ्ट हैंड साइड वाले में जिंक सल्फेट का, जिंक सल्फेट, इसमें भी हमने लिक्विड फिल कर लिया, ये है कॉपर सल्फेट, और ये जो रोड है ये है कॉपर रोड, और ये वाली जो रोड है वो है हमने, ये मेटल रोड है, जिंक की रोड है। अब स्टूडेंट
ये तो हमारा हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। अब इसको हम एक वायर से कनेक्ट करेंगे, बीच में एक हम स्विच भी लगा देते हैं, प्लग लगा देते हैं कि इसको ऑन ऑफ कर सकें। बीच में हम एक लगाते हैं गलवेनोमीटर भी कि इसका जो डिफरेंस पोटेंशियल का वो हम मेजर कर सकें, हमें चल जाए पता। अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि इसमें एक सॉल्ट बेड लगाते हैं, ये एक ट्यूब होती है अपनी सॉल्ट ब्रिज, इसके अंदर हम फिल कुछ करते हैं, बताता हूँ आपको मैं, पहले बना लूँ। ये सॉल्ट ब्रिज है, ट्यूब होती है जिसको हम उल्टा करके लटकाते हैं और वो इमर्ज्ड हो जाए इन दोनों लिक्विड के अंदर। अब स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसके अंदर, और क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और प्लस इसमें एक जेल होती है उसको बोलते हैं अगर जेल। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया KCl, KBr, के पॉजिटिव Br नेगेटिव, इसका काम क्या स्टूडेंट ये, अब जैसे कि यहाँ से हमें पता है कि इसका रिएक्शन क्या है। देखो इसका रिएक्शन क्या है, जिंक है, इसका हुआ अपना ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बन गया 2-। ये कॉपर है, इसका रिडक्शन हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और ये बन गया कॉपर। तो स्टूडेंट यहाँ से जो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जिंक रोड ने, और टाइम के हिसाब से के साथ साथ ये पतली होती जाएगी रोड, जैसे जैसे ये रिएक्शन होगी ये रोड पतली होती जाएगी और ये रोड मोटी होती जाएगी, ठीक है। इसका जो वेट है वो बढ़ता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कैसे पास कर रहे हैं, इस वायर के थ्रू, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है इस वायर के थ्रू जा रहे हैं इस तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन हमें कोई सर्किट कंप्लीट करना है कि इसको कंटिन्यू चले, ये एक बार चल जाएगा फिर क्या होगा स्टूडेंट, इस सर्किट को कंप्लीट, हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसको हमने कंप्लीट करना पड़ता है, अगर बीच में कुछ ओपन हो तो वो नहीं चलता। तो ये जो सर्किट कंप्लीट करने का काम चल रहा है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गए और फिर इसने मतलब यहाँ पर गेन किए, फिर यहाँ से ये यहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे वापस, जैसे कि ये के पॉजिटिव है, के पॉजिटिव इस साइड गया एक एग्जांपल हो, और बी आर नेगेटिव इस साइड गया, मतलब इसका जो काम है अपनी ये ट्यूब का जो काम है, इसका काम है कि सर्किट को न्यूट्रलाइज करना, मतलब सर्किट को कंप्लीट करना या न्यूट्रलाइज करना, तो स्टूडेंट इसका ये काम है। तो अब आगे हम करते हैं कि ये तो रिएक्शन हमारी हो गई, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, और ये जो हमारा कैथोड रे है, कैथोड रोड है, इस पे साइन होगा पॉजिटिव और इस पे साइन होगा नेगेटिव। अब लोग कहेंगे कि साइन पॉजिटिव क्यों होगा, कईयों का मानना है क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखना, उसमें जो कैथोड है वो होता है पॉजिटिव और जो एनोड है वो होता है नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसकी बात हम बाद में करेंगे उसमें क्या होता है, कैथोड होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव, तो ये बात ध्यान रखना। मैं इसकी बता दूँ रीज़न क्या है इसका, कई लोगों का मानना है कि कैथोड पॉजिटिव होता है एनोड नेगेटिव होता है, मतलब काफ़ी इल्यूजन क्रिएट करते हैं, कुछ रीज़न नहीं देते। कई लोग वैसे कहते हैं कि जहाँ पर कैथोड है तो वहाँ पर होगा पॉजिटिव होगा और जहाँ एनोड है वहाँ होगा नेगेटिव, लेकिन ये बात सच नहीं है। कैथोड जैसा ये है कि जो अट्रैक्ट करें Cu डबल पॉजिटिव आयन को, जैसे यहाँ Cu पॉजिटिव आयन है, इसको आयन करें, मतलब जो आयन है पॉजिटिव आयन है उसको अट्रैक्ट करें तो उसको बोलते हैं कैथोड, और जो नेगेटिव आयन है उसको अट्रैक्ट करें तो उसको बोलते हैं एनोड। तो स्टूडेंट ये बात हो गई, अब जैसे इसने अट्रैक्ट किया पॉजिटिव आयन को तो ये तो हो गया कैथोड, और जाहिर सी बात है तो ये क्या हो गया हमारा, एनोड हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF की, बात करते हैं कि कैसे मेजर करेंगे हम। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं EMF, इसका जो नेम है वो है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ये एक्चुअली होता है हमारा पोटेंशियल ही होता है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज में हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस, हम अगर और इजी लैंग्वेज में कहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि वोल्टेज, ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम कहते हैं वोल्टेज की ये बैटरी है, ये 5 वोल्ट की है,
ये 6 वोल्टेज की, ये 7 वोल्टेज की, 8 वोल्टेज की, तो वो चीज़ ही कॉमन लैंग्वेज हमारी। तो अब ये क्या है स्टूडेंट की, ये क्या बताता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये डिफरेंस बताता है कि दो इलेक्ट्रोड के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये उसके बारे में बताता है। अब जैसे कि एक स्टैंडर्ड हमें किसी के इलेक्ट्रोड रिडक्शन, किसी भी इलेक्ट्रोड का हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल अगर गिवन है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट उसका हम डिफरेंस पता कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला है लाइक दैट, वो फॉर्मूला है ई नोट सेल इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। और स्टूडेंट एक बात हमने ध्यान रखनी है यहां पर कि हमने यहां पर हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, रिडक्शन। ये मत सोचना कि इसका एनोड वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका हमने लेना है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, हमने लेना हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर मैं एग्जांपल लूं, जिंक है, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो होगा 0.76 वोल्ट। एंड अगर मैं लूं कॉपर का, कॉपर आयन से कॉपर बन रहा है, तो इसका स्टूडेंट है हमारा, मैंने अनुशान पा दिया, +0.34 वोल्ट। तो स्टूडेंट इसका जो डिफरेंस होगा ई नोट सेल होगा वो क्या होगा, 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट। तो ये होगा स्टूडेंट हमारे इक्वल होगा, ये होगा +1.10। और ये स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव आता है तो आपका जो सेल है वो खराब है, या फिर आपकी जो कैलकुलेशन आपने की है वो खराब है। ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, बस इसको याद रखना कि ये जो आना है इलेक्ट्रो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स वो हमेशा आएगा पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक हमारी बात हुई खत्म। तो स्टूडेंट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको और अच्छी तरह समझते हैं। अब जैसे कि मैंने ले लिया ई नोट आयरन Fe2 पॉजिटिव Fe, ये होता है स्टूडेंट हमारा -0.44 वोल्ट। तो ये तो मैंने लिया अपने रिडक्शन पोटेंशियल। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ले लूँ Ag पॉजिटिव एंड Ag, तो ये होता है स्टूडेंट हमारा 0.80 वोल्ट। तो स्टूडेंट इसका तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि ये कैसे हमें चले पता, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ये बड़ा है। तो मैंने ये आपको बताया फॉर्मूला, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा हो उसका क्या होगा, रिडक्शन, और जिसका छोटा हो, जाहिर सी बात है अगर एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब स्टूडेंट ये अगर ऐसे ना क्वेश्चन आए, हमें क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ जाए पेपर में कि ई नोट सेल Fe +0.44 वोल्ट और Ag पॉजिटिव Ag +0.80 वोल्ट। तो स्टूडेंट हमने सबसे पहले हमने ये डायरेक्ट नहीं यूज करना इस फॉर्मूले के अंदर, हमने सबसे पहले क्या करना है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, ये नेसेसरी कंडीशन है, इसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है। ये अभी किस में है, ऑक्सीडेशन में है, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आयरन है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और आयरन आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको पहले हमने इस फॉर्म में चेंज करना है, ओके। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले का यूज करके इसका जो डिफरेंस है वो हमने पता करना है। तो जैसे कि यहां पर हम कर लेते हैं,
ये हो गया फोर, ठीक है 1.24 वोल्ट। अब स्टूडेंट इसकी तो ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर इसकी हम रिएक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे कि इसकी रिएक्शन होगी आयरन, इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और आयरन आयरन में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ है अपना सिल्वर आयन है। अब सिल्वर आयन को स्टूडेंट चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा सिल्वर में कन्वर्ट। अब स्टूडेंट यहाँ देखो, अगर इसकी हम टोटल रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल नहीं हो रहे, तो हमने क्या करना है इसको इक्वल करने के लिए, हमने क्या करना है इसको नीचे वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2, 2, 2। तो ये क्या बन जाए स्टूडेंट, ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ये बन जाएगा Fe प्लस 2Ag पॉजिटिव, Fe डबल पॉजिटिव एंड प्लस 2Ag। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी रिएक्शंस हो गई। और इसको हमें लिखना है सेल की फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखना है, Fe 2 पॉजिटिव, ये सॉल्ट ब्रिज है। अब हमने जब इसको सिल्वर को सेल की फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, तो इसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है कि इसको हम आगे 2 भी लगाएं, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेल की फॉर्म में। इसकी हम स्टेट लिख सकते हैं, जैसे कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस में है, ये एक्वस में है, और ये सॉलिड में है। तो सुन, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? ओहो नहीं आया ये, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने देख लिया होगा, मैंने बताया था यहाँ पर कि जैसे आगे ये 2 लगा हुआ है, इसको तो हमने यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ तक हमारी बात ख़त्म हुई, और इसको हम राइट एंड लेफ्ट से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना एक्स्ट्रा बना के सेल। तो ये होगा कैथोड, ये होगा एनोड, ये फॉर्मूला है। इसको हम राइट और लेफ्ट से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ई नोट राइट और ई नोट लेफ्ट, या ऐसे लिख सकते हैं ई नोट आर, ई नोट एल। जो ये सेल है, इस सेल के जो राइट वाला है वो उसकी वैल्यू इस तरफ आएगी, और जो लेफ्ट वाला उसकी वैल्यू इस तरफ आएगी। तो स्टूडेंट यदि यहाँ तक हमारी बात थोड़ी सी ख़त्म हुई कि ये क्या क्या होता है, हमने आज इसके बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा और। तो मिलते हैं फिर क्लास में अगली, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।